तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। आज की क्लास जो है वो हमारी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, जिसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट भी कहते हैं। ये अक्सर बच्चों को समझ में नहीं आता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम लेकर आए हैं इस चक्रवर्ती ब्याज को। आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही अच्छे से समझाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है 10,000 रुपये का 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो चक्रवर्ती ब्याज को क्या कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, CI। ठीक है, फॉर्मूला हमारा क्या होता है, P into और ब्रैकेट में होता है 1+R/100। R हमारा क्या होता है, हमारी दर होती है। N जो होता है वो हमारा समय होता है और यहाँ पे -1। ठीक है, और इस ब्रैकेट को कर देते हैं हम बंद, काफ़ी बड़ा ब्रैकेट लग गया है। ठीक है, तो ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम आपको सॉल्व कराएंगे। तो जैसे कि ये क्या है, हमारा समय है, समय को n कहते हैं, ये हमारा r है और ये हमारा क्या है, p है। ठीक है, अलग से हम यहाँ पे नहीं लिखने वाले हैं क्योंकि जगह जो है फ़िलहाल हमारे पास कम है। ठीक है, अब हम यहाँ पे सारी चीज़ें हमारे पास हैं और यहाँ पे हमारा P लिखा हुआ है। यहाँ पे थोड़ी रोशनी पड़ रही है पर यहाँ पे P लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हम ये जो लिखा है CI = ठीक है, CI = क्या हो जाएगा, P हमारा कितना है, 10,000 है। तो 10,000 हमने लिख लिया। अब 1+R कितना है, वो है हमारा 10। ठीक है, बटे में 100 पहले से ही था और पावर n है, मतलब पावर n का मतलब n कितना है हमारा, 2 है। -1 कर दिया और ब्रैकेट बंद कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 10,000 जो हमारा लिखा है। ठीक है, अभी हम लिखा रहने देते हैं। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट में क्या है, ये अलग हम आपको बता रहे हैं, 1+1/10 है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, 10 × 1 = 10, 10 में 1 जोड़ा हुआ हमारा 11, 11/10। ठीक है, ब्रैकेट में हमारा क्या हुआ, 11/10, और इसका क्या लगा है, स्क्वायर लगा है, मतलब यही चीज़ 2 बार लिखी है। तो हम इसी चीज़ को हम 2 बार यहाँ पे लिख ले रहे हैं, 11/10 × 10 और -1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10,000 जो है उसको यहाँ पे लिख देंगे और इसकी यहाँ पे हम, चलो इसको ब्रैकेट ही रहने देते हैं। यहाँ पे 11 और 11 की गुणा, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 100 का मतलब 10 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे -1 लगा देंगे। ठीक है, इस चीज़ को हम यहाँ पे अलग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अभी इतनी जगह नहीं है। हमारे पास क्या था, 121/100 और -1। ठीक है, 121 लिख लेंगे, 100 की 1 से गुणा, इसके बटे में हम 1 मानेंगे ना, ऐसे होता है, कैंची गुणा गुणे वाली विधि से कर रहे हैं। अगर आपको भिन्न सॉल्व करना नहीं आती है तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको भिन्न सॉल्व करने वाले जो क्वेश्चन है मैंने कराई हैं, क्लासेस ली हैं, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, 1 की गुणा 121 से 121 आया, 100 की गुणा 1 से तो हमारा 100 आया, बटे में हमारा क्या है, ये है हमारा 100। ठीक है, हमारा क्या बचा, 21 बचा। ठीक है, क्या बचा है, 21 बचा, मैंने 12 लिख दिया, 21 बचा, 21/100 हमारा बचा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 10,000 × 21/100। ठीक है, 21/100 लिख दिया हमने। अब हम, हमारे पास इतने ही आया था, 2 जीरो जो है वो हमने काट दिए और 21 की 1 से गुणा हुई तो हमारा 21 आया और 2 जीरो लग गए। तो 2100 रुपये जो है वो हमारा 2 वर्ष का क्या आया है, चक्रवर्ती ब्याज आया है। इसी तरीके से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्लास जो है उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, और कोई क्वेरी रह गई हो, कुछ समझ में ना आया है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो, मैं सबका रिप्लाई करती हूँ। और आपको बता दें, SW भी ले लीजिए। ठीक है, अगर आपको और ज़्यादा चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए क्वेश्चन की, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं खूब सारी प्रैक्टिस जो है करवा दूँगी। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड करा दूँगी। और फिलहाल क्वेश्चन जो है वो मैं आपको दे रही हूँ। P जो है हमारा है 5,000। ठीक है, 5,000 P है। R जो है वो है 2% और N जो है वो है हमारा 2 वर्ष।
ठीक है, इसका आपको क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। क्या आंसर आएगा ये आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अगर आप फर्स्ट क्लास से लेकर टेंथ क्लास तक की पढ़ रहे हो, ठीक है, जिस भी क्लास में हो एनसीईआरटी की बुक्स से अगर पढ़ रहे हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, वहाँ से आप मैथ्स पढ़ सकते हो। और अगर आपको फ्री में बुक्स एनसीईआरटी और यूपी बोर्ड की बुक्स चाहिए, फ्री में बिल्कुल सॉल्यूशंस भी चाहिए, तो आपको इसी चैनल के नाम से ही हमारा ऐप है, ठीक है, प्ले स्टोर पे जाइए, ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ पे आप अपनी बुक्स वगैरह और सोल्यूशन वगैरह बिल्कुल फ्री में पा सकते हो, किसी तरह का कोई पेड ऐप नहीं है। तो भाई आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो भाई मिलते हैं, बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना आप नहीं भूलेंगे।